केसीआईएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह आपको पढ़ा रहा हूँ जनरल मैथ्स, जिसमें आज का टॉपिक है नंबर्स। जनरली हम जो काउंटिंग पढ़ते हैं, काउंटिंग इज कॉल्ड नंबर्स। लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, these are numbers. Type of numbers, numbers के कई types होते हैं, जैसे अब हम इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है नेचुरल एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, डेफिनेशन होती है काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड काउंटिंग नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा। काउंटिंग नंबर आर अनलिमिटेड नंबर्स, सो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंट्स लाइक एन कैपिटल एन फॉर नेचुरल एंड 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा। सेकंड नंबर इज होल नंबर, होल नंबर डेफिनेशन ऑफ होल नंबर इज जीरो फॉलोड बाय नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर, या तो नेचुरल नंबर कह दो या आप कह सकते हो काउंटिंग नंबर। तो जीरो फॉलोड बाय नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 बट होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0। जीरो 1, 2, 3, 4, 5 तो होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड होल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय w 1 2 3 4 5 एंड नेचुरल नंबर एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो क्लियर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जहां से काउंटिंग शुरू होती है वन से वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, और जब काउंटिंग नंबर में जीरो को भी साथ में ले लिया जाता है तो वो कहलाता है नेचुरल नंबर। नेक्स्ट
अब नंबर के अंदर अब हम पढ़ते हैं काउंटिंग नंबर को वन से। अब उसमें अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे पहला है इवन एंड ओड। इवन एंड ओड। अब काउंटिंग हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू। अब इसमें अलग अलग प्रकार के नंबर होते हैं, जैसे इवन नंबर ओड नंबर। अब इवन कौन सा होता है और ओड कौन सा होता है, तो पहले है इवन नंबर। इवन नंबर की दो डेफिनेशन है, पहली है नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू, नंबर विच इज divisible by 2 is called even number। अब काउंटिंग नंबर में जो भी नंबर 2 से divisible है वो सब क्या है, इवन नंबर। जैसे शुरुआत करते हैं काउंटिंग नंबर में से 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है, 1 2 से divisible नहीं है, 2 1 से divisible है, 3 नहीं है, 4 divisible है, 5 नहीं है, 6 है। तो हर दूसरा नंबर क्या होता है, इवन नंबर। काउंटिंग नंबर में हर दूसरा नंबर क्या होता है, इवन नंबर। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, सिंगल डिजिट में 2 4 6 8, डबल डिजिट में 10 12 14 16 18। इसी प्रकार जब भी इवन नंबर लिखते हैं, जैसे 3 डिजिट में 100 2 100 4 लाइक दिस। अब इसकी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो दूसरी वाली, जिसमें क्या होता है लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 2 4 6 और 8। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो क्या होता है, इवन नंबर। अब हम सीधा पहचान सकते हैं अगर हमें कितना भी बड़ा नंबर दे रखा है, सिंगल डिजिट 2 डिजिट 4 5 7 मिनिमम मैक्सिमम कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर हमें इस चीज का ज्ञान है कि 0 2 4 6 8 अगर लास्ट डिजिट है तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे हमारे पास नंबर है 3762, हमें आगे के नंबर की कोई टेंशन नहीं, लास्ट डिजिट देखो 2 आ रहा है, हमारे नियम के अनुसार आ रहा है, हमारा रूल है कि लास्ट डिजिट इज 0246, अगर लास्ट डिजिट 2 आ रहा है तो ये इवन नंबर है। पीछे वाला चाहे इवन हो ऑड हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट डिजिट अगर 0246 है तो वो क्या है, इवन नंबर है। इसी प्रकार अदर एग्जांपल देखो 5320, इसमें 0 आ रहा है तो इवन नंबर है। यहां पे 3579, क्या इस रूल के अनुसार कोई डिजिट लास्ट डिजिट है 0 2 4 6 8 में से, नहीं है तो ये इवन नंबर नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जिसमें लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आए तो वो इवन नंबर है। इसके बाद में है ओड नंबर। सीधा है, एक दूसरे के ये क्या होते हैं, ऑपोजिट होती है, डिविजिबल है तो इवन नंबर और डिविजिबल नहीं है तो ओड नंबर। तो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ओड नंबर, दैट इज कॉल्ड ओड नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है ओड नंबर होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन है इफ द लास्ट डिजिट ऑफ the last digit of any number is
1, 3, 5, 7, and 9. That is called odd number. किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 1, 3, 5, 7, 9 है, एक तो ये बात, दूसरी ये है कि अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, जनरली जिसके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 नहीं होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और जो डिविजिबल नहीं होगा वो होगा ओड नंबर। एग्जांपल के तौर पर जैसे 57, अब 57 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 4 17 2 8 16, ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या है 1 आ रहा है और आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये डिवाइड भी नहीं हो रहा है, इसलिए डिविजिबल नहीं है। और दूसरी परिभाषा या डेफिनेशन से देखें तो लास्ट डिजिट क्या है 7। 1, 3, 5, 7, 9 में से अगर कोई भी डिजिट आ रहा है तो वो क्या होगा, ओड नंबर होगा। अगर आप यही सारे नंबर में से अगर इवन और ओड बनने हो, सेपरेट बनने हो, तो किस प्रकार से पहचान आपको सिखाई है, पहचान के अनुसार ये नंबर है कुछ आपके सामने, जिससे आपको बताना है कि कौन सा इवन है और कौन सा ओड है। जैसे 32, अब 32 रोल नंबर फर्स्ट, लास्ट डिजिट इज 2, 4, 6, 8, देन लास्ट डिजिट 2, सो दिस इज इवन। नाउ 67 इज इवन और ओड, 67 लास्ट डिजिट इज 7 एंड रोल नंबर 2 लास्ट डिजिट इज 1, 3, 5, 7, 9। अब 7 ओड नंबर का रूल है तो ये हो गया ओड नंबर। नेक्स्ट इज 920, लास्ट डिजिट इज 0, सो इवन नंबर। 607, लास्ट डिजिट इज 7, ओड नंबर। 8267, अगेन 7, देन ओड नंबर। 8001, लास्ट डिजिट इज 1 एंड 1 कम्स इन ओड नंबर, ओड नंबर। 7009, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या और कंपोजिट भाज्य संख्या। हिंदी के नाम से ही पता चलता है कि जो डिविजिबल है, जिसमें भाग जा रहा है वो भाज्य संख्या होती है, और जिसमें भाग नहीं जाता है, नॉन डिविजिबल है, वो अभाज्य संख्या। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी ऐसे कोई भी नंबर हो जिसमें किसी से ही डिवाइड नहीं हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है, सब डिविजिबल है जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट जीरो। काउंटिंग नंबर में 1 से लेकर जहां तक काउंटिंग है अनडिटरमाइंड, वहां तक सब नंबर किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल है। अब इसमें जो प्राइम और कंपोजिट नंबर का रूल है, पहले है प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या जो किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होती है। तो
ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हो, प्राइम नंबर है, जैसे 2 है, 2 केवल अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, और 1 से पूरे नंबर डिवाइड होते ही हैं, 1 को छोड़कर जो केवल अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर। डेफिनेशन है नंबर विच इज डिविजिबल बाय सेल्फ, या नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट्स सेल्फ, नंबर विच इज divisible by 1 and itself, that is called prime number। ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। इसके अलावा दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये है, पहली डेफिनेशन होगी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, एंड सेकंड इज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, फैक्टर मींस गुणनखंड, और गुणनखंड वहां होते हैं जो जिन नंबर से डिवाइड होते हैं। अब इनके एग्जांपल देखो, जैसे 2 काउंटिंग नंबर में देखते हैं तो 1 ना केवल अपने से डिवाइड होता है, लेकिन ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो 1 नहीं होता है। इसके अलावा 2 के बाद में 3 केवल अपने से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, इसलिए कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 5, 7, 11, 13, 57, 41, 42, 47, 43, 49, 61, 67, 73, 79, 83, 89 and 97। ये है 1 से लेकर 100 के बीच के प्राइम नंबर, और 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी 1 से लेकर 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है जो केवल अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते, और इनका ही सारी मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। 1 से लेकर 10 के बीच में 4, 11 से 20 के बीच में भी 4, 21 से 30 के बीच में 2, फिर 40 तक 2, 50 तक 3, इसी प्रकार से। इसके बाद में है कंपोजिट नंबर। नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। Numbers which have more than 2 factors or number which is divisible by more than 2 numbers। ऐसे नंबर दो ही फैक्टर हो या
दो नंबर से ज्यादा से डिविजिबल हो वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। अब जैसे हमने काउंटिंग में देखा वन ना कंपोजिट है ना प्राइम है, टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, फोर। तो सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर है फोर और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है टू, और टू एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। तो फोर है तो फोर जैसे वन से भी डिविजिबल है, टू से भी है, फोर से भी, तो मोर देन टू भी नंबर से डिविजिबल है इसलिए कंपोजिट नंबर। फाइव प्राइम नंबर होता है केवल अपने ही नंबर से डिवाइड होता है, सिक्स वन टू थ्री एंड सिक्स, मोर देन टू तो ये क्या है कंपोजिट नंबर। तो ये आप कहते हैं नंबर्स टाइप ऑफ नंबर। इसमें एक बचता है इंटेजर्स, इंटेजर्स पूर्णांक। इंटेजर्स मीन्स नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जब साथ में यूज करते हैं तो वो होते हैं प्राइम इंटेजर्स, जैसे माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। माइनस नंबर से या नेगेटिव नंबर से शुरू होते हैं और पॉजिटिव के साथ में रहते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था वो काउंटिंग नंबर को कहते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर में हमने जीरो के साथ में काउंटिंग नंबर को जोड़ दिया। अब इंटेजर्स में होल नंबर और काउंटिंग नंबर के साथ में नेगेटिव नंबर को भी जोड़ देते हैं तो ये कहलाते हैं इंटेजर्स। ओके okay.